दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि Amazon किन किन कारण से आपके सेलर अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो सेलर अकाउंट है वो कभी भी सस्पेंड ना हो। लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपका सेलर अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाता है तो इससे आपके बिजनेस और सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है और आपको आगे क्या करना है ताकि आपका सेलर अकाउंट वापस से एक्टिव कराया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से आपका सेलर अकाउंट सस्पेंड होता है। तो सबसे पहला रीजन है मल्टीपल सेलर अकाउंट। अगर आप एक से ज्यादा सेलर अकाउंट बनाते हो तो आपका जो भी दूसरा अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। जब तक Amazon को पता नहीं लगता तब तक ठीक है, लेकिन जब भी Amazon को इस बात का पता लगता है कि आपके पास दो सेलर अकाउंट है तो आपका जो दूसरा अकाउंट है या तो वो या फिर दोनों के दोनों अकाउंट आपके सस्पेंड कर देता है। दूसरा रहता है इसमें जो कि काफी कॉमन है, इसमें आप अगर किसी भी कैटेगरी या ब्रांड अप्रूवल के लिए Amazon को फेक इनवॉइस या फिर फेक ऑथोराइजेशन लेटर प्रोवाइड करवा दो। देखिए जो Amazon की परफॉर्मेंस टीम है वो दिन की लाखों ऐसे इनवॉइस और ऑथोराइजेशन लेटर को वेरीफाई करता है, तो उनको देखते ही पता चल जाता है कि ये इनवॉइस फेक है या जेन्यून है। उसको वेरीफाई करना तो बाद की बात है। तो आप किसी भी कैटेगरी प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए कोई भी इनवॉइस या ऑथोराइजेशन लेटर देते हो तो वो जेन्यून होना चाहिए। अगर आप फेक इनवॉइस या फिर ऑथोराइजेशन लेटर सबमिट करते हो तो Amazon आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तीसरा और सबसे कॉमन इश्यू होता है, ये सेलर्स को पता नहीं होता है बट फिर भी ये गलती करते हैं, ये होता है आपका इंफ्रिंजमेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। अगर आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका आपके पास ऑथोराइजेशन है ही नहीं, तो जो सेलर इस टाइप के प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो आपके ऊपर इंफ्रिंजमेंट या फिर आईपी का केस रेज करता है सेलर सपोर्ट टीम के थ्रू। आपको Amazon इसके लिए 3 वार्निंग भेजता है, फिर भी आप अगर उस प्रोडक्ट को सेल करते हो और आप उसको इनएक्टिव नहीं कर रहे हो तो Amazon तुरंत उस अकाउंट को सस्पेंड कर देगा और ऐसे अकाउंट को वापस से एक्टिव करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। चौथा और सबसे जो कॉमन रीजंस होते हैं, ये हर सेलर के साथ होता है, इसमें आपका आ जाता है ऑर्डर कैंसिलेशन। इसका 2.5% तक रेट रहता है। अगर आपके पास 100 ऑर्डर आ रहा है तो आप 2.5 ऑर्डर तक कैंसिल कर सकते हो। इसके ऊपर जाता है तो Amazon आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो हमेशा अपने इन्वेंट्री को फुल रखिए, अगर नहीं है आपके पास इन्वेंट्री तो उसको 0 कर दीजिए, ऑर्डर कैंसिल कभी मत कीजिए। दूसरा आपका होता है जो आपका लेट डिस्पैच रेट होता है। जैसे आपको ऑर्डर आज डिस्पैच करना है, आपके पास ऑर्डर आया आज आपको डिस्पैच करना है लेकिन आप उसको 10 दिन बाद करते हो तो वो लेट डिस्पैच रेट में जाता है। इसका जो परसेंटेज रहता है वो 4% तक रहता है। इससे ज्यादा अगर आपका लेट डिस्पैच रेट चला जाता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तीसरा जो होता है वो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट, यानी आपके ऑर्डर जो भी आप भेज रहे हो उसको एक अच्छे से पैक करके भेजिए ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्डर वगैरह टूटे नहीं। अगर ऐसा होता है तो कस्टमर उस पर कंप्लेन करता है कि मेरे पास जो भी ये प्रोडक्ट आया वो डिफेक्ट आया, तो ये डिफेक्ट रेट हमेशा 1% से कम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कांच के प्रोडक्ट है तो उसको अच्छे से बबल रैप करके भेजिए ताकि आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो कम रहे और आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बचे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज 2021 की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सेलर्स के अकाउंट इसी रीजन की वजह से सस्पेंड हो रहे हैं, ये होता है सेक्शन 3 ऑफ Amazon की पॉलिसी है, उसका अगर कोई भी सेलर वायलेशन करता है। ये सेक्शन 3 होता ये है कि अगर आप किसी भी टाइप के फ्रॉड प्रोडक्ट्स या फिर अनऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो Amazon आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा विदाउट एनी नोटिस। कई बार तो भेजता है बट बहुत सारे केसेस में नहीं भेजता है, और ऐसे अकाउंट वापस से रीएक्टिवेट नहीं होते, ये अकाउंट रीएक्टिवेट हो ही नहीं सकते अगर आप कोई भी अनऑथेंटिक या फिर फ्रॉड प्रोडक्ट बेचते हो। अब हम बात करते हैं अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपके सेल्स और बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला होता है Amazon पे जो भी आपने गुडविल बनाई हुई है वो आपकी नील हो जाती है, 0 हो जाती है। दूसरा, आपके जो भी सेल्स रैंक है, जो प्रोडक्ट की सेल्स रैंक है, आपकी सेल्स रैंक है, आपने अभी तक Amazon पे जो भी नाम कमाया है वो सब कुछ 0 हो जाता है, आपको वापस 0 से स्टार्ट करना रहता है।
इससे आपके सेल्स में भी ऑलरेडी आपका जो इफेक्ट है वो तो पड़ता ही है, जो कि डिक्रीज हो जाता है, आपको सेल्स मिलना बंद हो जाता है। इसके अलावा अमेजॉन बहुत सारे केसेस में सेलर को टर्मिनेट भी कर देता है, यानी उसके बाद वो सेलर कभी भी amazon.in या किसी भी अमेजॉन के मार्केट प्लेस पे कभी भी सेल नहीं कर सकता, चाहे वो किसी और लैपटॉप से कर रहा है, किसी और डॉक्यूमेंट से कर रहा है। थोड़े दिन चल जाएगा, बट जब भी पता चलेगा वो अगेन सस्पेंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपका अमेजॉन का सेलर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, अमेजॉन को एक अच्छे से अपील करके भेजिए, आपको जो भी मेल आता है सस्पेंशन का उस पर ही रिप्लाई कीजिए। आप सेलर सपोर्ट टीम को इस पर रिप्लाई नहीं करना है, आपको जो मेल आया है उस पर रिप्लाई करना है, अच्छी से अपील आपको तैयार करनी है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस टाइप से अपील करना है, उसमें आपको क्या क्या भरना है। तो आप एक अच्छे से अपील तैयार कीजिए और अमेजॉन को एक वैलिड रीजन के साथ भेजिए कि ये मेरा ये इशू था, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तो प्लीज मेरा अकाउंट जो है वो वापस से रीएक्टिवेट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, आपको अपने अकाउंट हेल्थ का स्टेटस हमेशा चेक करना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको सेलर सेंटर पे ट्रेनिंग दे रखा है, ये सब चीजें आपको कहां से देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है। अगर वो पुअर हो जाती है तो आपका जो डीएक्टिवेशन का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने अकाउंट का जो हेल्थ है वो हमेशा चेक कीजिए। अमेजॉन सेलर सेंट्रल ट्रेनिंग का वीडियो है जो कि आपको आई बटन से मिल जाएगा। अमेजॉन हमेशा अकाउंट सस्पेंड करने से पहले आपको 3 नोटिस भेजता है। आप जो भी पहला नोटिस मिलता है उसमें ही फटाफट से आप एक्शन लीजिए, अगर कोई भी इन्वेंटरी है तो उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो वो सेलर परफॉर्मेंस टीम को जल्दी से भेज दीजिए ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।